Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start with your civics book, your political science book. This is your political science book, and we will start with this book today, Democratic Politics. So, open chapter number 2. The chapter number 1, which is Democracy in the Contemporary World. This chapter has been deleted from your syllabus. So, chapter number 2 is the first chapter for you. ठीक है? Chapter number 1 जो है आपके syllabus से delete हो गया है, तो हम second chapter what is democracy, why democracy से start करेंगे. Open your civics book, page number 23. From Why define democracy? इस पैराग्राफ पे आ जाओ सीधा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. Why define democracy? देखो, democracy होता क्या है, जहाँ पर लोगों द्वारा, लोगों के ही चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार को चलाते हैं, यानी कि लोग क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. ठीक है? और जो वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों के बिहाफ पे देश को चलाते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं. उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं. ठीक है? जहाँ पे लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है जो है देश की पॉलिटिक्स में. ठीक है? आपको पता है इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ भी क्या है, मोनार्क नहीं है, कोई राजा जो है रूल नहीं करता, बल्कि क्या है, हम क्या करते हैं, वोट देते हैं. वोट के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, और जो हमारे चूज किए हुए लोग होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके हमारी गवर्नमेंट को रन करते हैं. ठीक है? तो अब हम डिटेल में समझते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग. व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस. तो बेसिकली मैरी एक स्टूडेंट है, वो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही है. हर टीचर मटिल्डा लिंडॉ रिस्पॉन्ड्स टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन. मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट्स of the world and then we want to find out the meaning of democracy. I mean logically shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't we meaning have come first and then the example? अब जो आपका first chapter था वो हम already skip कर रहे हैं, हमारे syllabus में नहीं है. तो यहाँ पर जो मैंने है वो यही कह रही है कि पहले तो हमने ये देखा कि वर्ल्ड में अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं. सेकेंड चैप्टर में आके हम जो है डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं. क्या हमने भूलता नहीं किया, पहले हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं करना चाहिए था? उसके बारे में बात हम देखते हैं जो वर्ल्ड में अलग अलग कौन कौन सी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं और कौन कौन सी नहीं हैं. तो जो टीचर हैं लिंडो मैम वो रिप्लाई करती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन ब्रेन और लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज दैम? कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. क्या होता है, मैम उसको रिप्लाई कर रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर वर्ड के पहले जो है डेफिनेशन को ही समझेंगे, उसके बाद ही हम उसको यूज़ करेंगे. आपकी जो लाइफ है उसमें आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनके डेफिनेशन के बारे में आपको पता ही नहीं है. जैसे रेल की क्या डेफिनेशन है, पेन की क्या डेफिनेशन है, पेन की क्या डेफिनेशन है, लेकिन जब आप उनको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो अपने आप आपको उनका मीनिंग जो है क्लियर हो जाता है. मैरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो फिर मैरी कहती है हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्यों होती है. अब जो लिंडा मैम है वो रिप्लाई करती हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड. मैम कहती हैं कि हम किसी वर्ड के डेफिनेशन को तभी देखते हैं जब हमें उस वर्ड को यूज़ करने में डिफिकल्टी होती है. वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट. यानी कि मैम कहती है कि हमें रेन को डिफाइन करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम उससे कुछ मिलते जुलते वर्ड्स उसको अलग बताएंगे, जैसे कि ड्रिजल हल्की हल्की जब बूंदाबांदी हो रही है वो क्या है, तो हम बताएंगे कि रेन होती है, तो रेन क्या होती है, प्रॉपर
बहुत ही हल्के हल्के जो है बारिश होती है, क्लाउड बर्स, जब बादल फट जाते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि तीन अलग अलग लेकिन थोड़े थोड़े मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, तो हमें एक क्लियर डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। यानी कि हमें डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज जिनका जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है, लेकिन वो खुद को क्या बताते हैं, डेमोक्रेटिक बताते हैं। रिवियन, बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। अब एक और स्टूडेंट आता, वो पूछता हमें किसी डेफिनेशन पे काम करने की जरूरत ही क्यों है। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो कहते हैं कि आपने हमें बताया था कि अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी वो सरकार होती है जो कि लोगों के द्वारा, लोगों से ही और लोगों के लिए ही चलाई जाती है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्फ, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट। अब वो कहते हैं मेघालय में क्या करते हैं, हम अपने आप खुद ही जो है अपना रूल जो है चलाते हैं, तो फिर हमें जो है और ये सिस्टम जो है सबको, सभी ने जो है एक्सेप्ट भी किया हुआ है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों है। लिंडो मैम बोलती हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैम कह रही है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ्स। वो मैम कह रही है कि मुझे इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन हमें जो है वो कह रही है वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे। वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि क्या ये किसी चीज़ को डिफाइन करने का बेस्ट सेल्फ है, जब तक हम उसके बारे में खुद से ना सोचें। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट। वो कहती हैं कि हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो किसी फेमस पर्सन ने बोली है या फिर वो सभी लोगों द्वारा मान्यता उसको मिल गई है। हमें सिर्फ इस बात के लिए ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। योलांटा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। आई रेड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। अब वो कहते हैं कि एक और स्टूडेंट कहता है कि मैम मुझे लगता है इसको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें जो है डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेटिका का मतलब होता है रूल यानी कि लोगों का रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों द्वारा शासन को चलाना। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, देयर इज अ नीड टू डिबेट। अब वो कहते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है, तो हमें डिबेट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। लिंडो मैम, दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। वो कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से जब हम वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो वो भी हमें हेल्पफुल होता है। आई वुड जस्ट से दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, जो वर्ड है वो हमेशा ही उसके ओरिजिन से जो है बंधा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग, वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स। अब वो कहते हैं कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर का। इनिशियली क्या था कंप्यूटर को, जो है हम सिर्फ कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेशन के काम के लिए ही यूज़ करते थे, और बहुत जो डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती थी, सम्स होते थे, उनको सॉल्व करने में यूज़ करते थे। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स क्या होते थे, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते थे। बट नाउडेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स, लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत ही कम लोग सिर्फ सवालों को हल करने के लिए ही कंप्यूटर्स का जो है यूज़ करते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। अब आपको पता ही है कंप्यूटर्स का यूज़ हम कितनी तरह की चीज़ों के लिए करते हैं। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, यानी कि वर्ड तो वही आज भी हम उसको कंप्यूटर ही बोलते हैं, लेकिन अभी उसका मीनिंग जो है पहले से चेंज हो गया। पहले सिर्फ सवालों को हल करने के लिए ही कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, आज भी हम बोलते तो
व्हाट डेफिनेशन, यानी कि हमें कोई शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए किसी भी वर्ड को समझने के लिए, बल्कि और हमें खुद से ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमें उसके प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर डेफिनेशन को इवॉल्व करना चाहिए. लाइक द मैम, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट विद इट नाउ. अब मैम कहती है कि हाँ तुम्हें सही से समझ में आए, अब चलो हम जो है इसको समझते हैं. Let us take Lingdo Madam seriously and try to write down the exact definition of some of the simple words that we use all the time. Pen, brain and love. For example, is there a way of defining a pen that distinguishes clearly from a pencil? क्या कोई ऐसा definition है pen की जिससे जो है हम pencil से इसको जो है clearly जो है separate कर सकते हैं, distinguish कर सकते हैं. A brush, a chalk or crayon. यानी कि इसलिए हमें जो है बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना होगा उन गवर्नमेंट्स में
We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. अब हमें बहुत carefully एक एक word को समझना होगा और democratic government के features को देखना होगा, ठीक है? Rivian went back home and collected some more famous quotation on democracy. अब जो ये student था Rivian, ये घर जाता है और कुछ जो quotations थी democracy के बारे में उनको इकट्ठा करता है. This time she did not mention the names of the people who said or wrote this. अब इस time वो क्या करती है Rivian कि सिर्फ definition को उठाती है, किसने बोली है, किसने दी है वो definition उसको नहीं include करती है. She wants you to read this comment on how good or useful these thoughts are. अब वो जो उसने collect करी है वो definitions यहाँ पे given है. Democracy gives every man the right to be his own possessors. Democracy क्या है, वो हर इंसान को right देती है कि वो अपना मालिक खुद बन सके. Democracy consists of choosing your dictators after they have told you what you think it is you want to hear. अब ये कहते हैं कि democracy क्या होती है, consists of choosing your dictators, अपने dictator को, अपने ruler को चुनना, after they have told you that, जब वो आपको बताते हैं उसके बाद what you think it is you want to hear, जो कि जो आप सोच रहे हो या जो आप सुनना चाहते हो उसको वो आपको बताएं, ठीक है? यानी कि जब वो डिक्टेटर आपको ये बताएगा कि what you think it is you want to hear, जो आप सुनना चाह रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं उसको जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है वो, ठीक है? मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, यानी कि जो मैन है उसकी कैपेसिटी जब होती है जस्टिस प्रोवाइड करने की तो वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाता है. बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी, लेकिन जब इंसान का झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है अन्याय के प्रति तो क्या है, डेमोक्रेसी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. यानी कि देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, जब मैंस की कैपेसिटी, यहाँ बोला हमने कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, इंसान की जो है जस्टिस करने की जो कैपेसिटी जब होती है तो वो डेमोक्रेसी को जो है बनाना पॉसिबल बनाती है. दो वर्ड है यहाँ पे, पॉसिबल और दूसरा है कैपेसिटी, ठीक है? जब आदमी की कैपेसिटी होती है जस्टिस प्रोवाइड करने की तो वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाती है. दूसरी बात में इसने बोला है जब मैंस का इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस, यानी कि जब आदमी का झुकाव अन्याय की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी, तब डेमोक्रेसी का बनना बहुत अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है? डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो मैटर देन वी डिजर्व. अभी कह दिया है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंश्योर करता है वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व, यानी कि हम उन्हीं के द्वारा जो है हमें गवर्न किया जाएगा जो कि नो बेटर देन वी डिजर्व, जो कि मतलब उन लोगों से द्वारा जिनको हम डिजर्व करते हैं. ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसीज कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जितनी भी कमियां हैं हम उनको और ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड करके उनको ख़त्म कर सकते हैं. यानी कि डेमोक्रेसी की कमियों को दूर करने का इलाज भी क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है? फीचर्स क्या, जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. हमने शुरुआत करी थी एक सिंपल सी डेफिनेशन से जहाँ पे हमें बताया गया था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जहाँ पे जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा चुना गया होता है. दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस, अब इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या क्या, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, अब रूलर्स कौन है, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, अब कौन कौन से ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स को हम जो है इलेक्ट करेंगे ताकि वो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को बना सकें. विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी, अब जो लोग चुने नहीं जाएंगे वो डेमोक्रेसी में क्या डिसीजन लेंगे. वट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अब कौन से इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है. What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? अब कौन कौन सी ऐसी जो conditions हैं जो कि fulfill करनी पड़ेगी ताकि हम एक election को democratic election कह सकें. Who are the people who can elect the ruler or get elected as rulers? अब वो कौन लोग होंगे जो जिनको कि as a ruler हम choose कर सकते हैं
है. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन द ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या जो ये वो लोग जो चुनेंगे, क्या ये वो लोग होंगे जो कि पूरे देश में रहते हैं, यानी कि एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस हर नागरिक को समान अधिकार होगा? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी किसी नागरिक को ये अधिकार देने से वंचित कर सकती है? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? फाइनली जो है किस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या जिन लोगों को हम चुन लेंगे ठीक है सरकार के लिए डेमोक्रेसी के लिए, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं जो भी उनको मन करेगा करने के लिए? और बस आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर इन लोगों को कुछ लिमिटेशंस के साथ ही ये लोग फंक्शन कर सकते हैं? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन? क्या ये जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि वो लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करें, लोगों के अधिकारों को रिस्पेक्ट करें? लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. जिन लीडर्स को हम चुन लेंगे उनके मेजर डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999. अक्टूबर 1999 में जो जनरल थे, सेना के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, वो एक मिलिट्री कॉप को लीड करते थे ठीक है. ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. अब थे तो वो सेना के चीफ, लेकिन उन्होंने क्या करा, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने हटा दिया ठीक है. जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको तो हटा दिया, और खुद को क्या बोला इन्होंने, खुद को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया. लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेजिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. पहले तो उन्होंने खुद को क्या बोला, सरकार को हटा दिया सेना की मदद से, और खुद को क्या बोला, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जो पाकिस्तान का ठीक है. उसके बाद उन्होंने खुद को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया ठीक है. और 2002 में क्या करा, एक रेफरेंडम कराया, यानी कि लोगों से एक रेफरेंडम या लोगों से एक जो है उन्होंने रेफरेंडम होता है जब लोग अपनी बात जो है बोलते हैं, यानी कि अपने मत का उपयोग करते हैं. एक रेफरेंडम होता है जहाँ पे आप अपने बात रखने के लिए अपना मत देते हैं. तो वहाँ उस टाइम क्या हुआ कि जो परवेज मुशर्रफ थे इनको जो है लोगों का रेफरेंडम पॉजिटिव मिला, यानी कि लोगों ने इनको अपना शासक मान लिया और 5 साल का एक एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि 5 साल के लिए प्रेजिडेंट बन गए. पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. अब जो पाकिस्तान की मीडिया थी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो भी डेमोक्रेसी को लेकर जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम कराया गया था, यानी कि जो लोगों से पूछा गया था कि आपको जो है परवेज मुशर्रफ एज अ जो प्रेसिडेंट है वो एक्सेप्ट है या नहीं, तो वो कहते हैं कि रेफरेंडम जो है पूरी तरह से फ्रॉड था और मेल प्रैक्टिसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें धोखाधड़ी की गई थी, यानी कि ये रेफरेंडम झूठा था. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. अब 2002 में उन्होंने क्या करा, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया जिससे जो वहाँ के पाकिस्तान का जो संविधान था उसको वो बदल दिया, जिसकी मदद से उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति था उसके पास ये अधिकार था कि वो नेशनल और प्रोविंशियल, यानी कि जो स्टेट की जो असेंबलीज हैं, यानी कि जो सरकार चलाती है जैसे पार्लियामेंट होता है, स्टेट्स में असेंबलीज होती है, उनको डिसमिस कर सकते हैं. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. अब वो कहते हैं जो सिविलियन कैबिनेट था उसको कौन सुपरवाइज करेगा, उसको सुपरवाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर. क्योंकि ये खुद मिलिट्री ऑफिसर थे तो उन्होंने कहा जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी उसको कौन गवर्न करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, जो है मिलिट्री ऑफिसर्स उसको डोमिनेट करेंगे. आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. अब ये ऑर्डर पास करने के बाद इन्होंने नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस कराए. सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स. तो पाकिस्तान में क्या था, इलेक्शंस हुए और
पावर्स थी, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परमेश मुशर्रफ। लेकिन जो फाइनल पावर थी वो किनके हाथों में रही? मिलिट्री के हाथों में और जनरल परवेज मुशर्रफ के ही हाथों में रही। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अब आपको पता है देखो किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी बना क्लेम करी गई, लेकिन क्या है क्लियरली ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने गए हैं? नॉट क्वाइट, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने क्या करा था? तख्ता पलट करा था, उन्होंने गवर्नमेंट को हटा के खुद को प्रेजिडेंट डिक्लेयर किया था। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स। अब बाद में भी क्योंकि उन्होंने संविधान को ही चेंज कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया था, जिससे सारी पावर मिलिट्री के हाथों में आ गई थी। तो अगर लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुना भी तो भी उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। दे कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजन। वो लोग जो थे फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स। जो डिसीजन लेने की फाइनल पावर थी वो आर्मी ऑफिसर्स के पास ही थी, एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय पीपल। ना तो आर्मी को लोगों ने चुना था, ना ही जनरल परवेज मुशर्रफ को, लेकिन सारा जो कंट्रोल था डिसीजन मेकिंग का वो सब इनके ही हाथों में था। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। दिस फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। अब मोनार्की सिस्टम में भी यही होता है जहाँ राजा होता है, और जो डिक्टेटरशिप्स होते हैं तानाशाही रूलर होते हैं वहाँ भी सेम ऐसा ही होता है कि लोगों को एक मतलब दिखाया तो जाता है कि लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, लोगों को के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुने जा रहे हैं, लेकिन फाइनल पावर जो है मोनार्क के या डिक्टेटर के हाथ में ही रहती है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट द रोल ऑफ द यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ द यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक। हियर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इस तरह के रूल को हम पीपल्स रूल नहीं कह सकते। दिस गेव अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। इससे हमें पहली जो फीचर पता चलती है डेमोक्रेसी की वो ये होती है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो किसके पास होनी चाहिए? जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है।